Hello kids, today we will learn how to make fish. Okay, आज हम fish बनाना सीखेंगे. ठीक है, तो सबसे उसके लिए हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक square size craft paper. Okay, अब हम इसे सबसे पहले fold करना सीखेंगे. ठीक है, देखिए आपके सामने square size paper रखा हुआ है. सबसे पहले हमें इसका triangle fold करना है. इस corner को इस corner से मिलाना है. देखिए इस तरह से कॉर्नर मिलाकर ऐसे प्रेस कर दीजिए. ओके, नेक्स्ट ओपन. अब इस कॉर्नर को नीचे वाले कॉर्नर से मिलाइए. नेक्स्ट ट्रायंगल फोल्डिंग. ओके, ओपन. दिख रहा है आपको? दिख रहा है ना, ये वाली लाइन एंड दिस लाइन. अब हम करेंगे स्क्वायर फोल्डिंग. इज अ सिंगल फोल्डिंग. एंड डबल फोल्डिंग. कॉर्नर को कॉर्नर से बहुत अच्छे से मैच करना है. ठीक है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा. देखिए ओपन करेंगे, आप देख सकते हैं लाइंस को, स्क्वायर साइज एंड. ठीक है, अब हम इसको सबसे पहले सिंगल फोल्डिंग एंड डबल फोल्डिंग. इस तरह से आप इसको फोल्ड कर लीजिए और इस तरह से आप इसको रख लीजिए. देखिए ओपन साइज इज राइट साइड एंड बॉटम साइज, बॉटम साइड. ओके, अब हम इसका करेंगे ट्रायंगल फोल्डिंग. देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, वन फिंगर का यूज करना है एंड फर्स्ट पेपर को ओपन करके इस तरह से फिंगर करके इस वाली लाइन को स्टैंडिंग लाइन में कन्वर्ट करना है. देखिए एंड प्रेस. ओके, देख दिख रहा है ना आपको, पहले ये कैसा था, स्क्वायर. स्क्वायर से फिर मैंने इस तरह से, देखिए लाइन दिख रही ना आपको, इस लाइन को इस तरह से प्रेस करना है. देखिए ट्रायंगल बन गया. जैसे इस तरह से मैंने इस तरफ किया है, उसी तरह आपको इसके बैक साइड में भी करना है. ठीक है, देखिए लाइन दिख रही ना आपको, इस लाइन को इस तरह से फिंगर रखिए, पहले इस तरह से फोल्ड करिए एंड लाइक अ ट्रायंगल. ओके, देखिए ट्रायंगल बन गया ना, देखिए ट्रायंगल. अब हम इस फिश की टेल बनाएंगे. तो देखिए आपके दोनों साइड से आपको इस तरह से फोल्ड करते हुए इक्वल बाहर की तरफ निकालना है, प्रेस कर लेना है. देखिए दिख रहा है ना दोनों तरफ टेल एंड. अब हम इसकी आईज एंड विंग्स बनाएंगे. ओके, तो आप चाहे तो ब्लैक स्केच पेन या एनी कलर, किसी भी कलर का स्केच पेन ले सकते हैं. मैं ब्लैक कलर का स्केच पेन ले रही हूं. तो मैं इसे आईज एंड स्मॉल स्मॉल सर्कल्स बनाऊंगी ताकि हम इस फिश को सुंदर कलरफुल बना सकें. ओके, एस्टिमेट ब्लैक पेन. देखिए मैं ब्लैक पेन ले रही हूं. अब मैं इस पर आईज बनाऊंगी. माउथ एंड बिग सर्कल, स्मॉल सर्कल. इस तरह से आप कोई भी डिजाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं और उसको कलर से फिल कर सकते हैं. क्योंकि फिश में बहुत सारे कलर्स होते हैं. फिश देखी होगी आपने, बहुत कलरफुल भी होती है. ठीक है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिए हैं, स्मॉल सर्कल एंड बिग सर्कल. आपको क्रेयॉन्स या पेंसिल कलर का यूज करते हुए या वाटर कलर का यूज करते हुए इस फिश को सुंदर सा सजाना है, डेकोरेट करना है, लुक लाइक. ओके, आप इन सर्कल्स में कलर्स फिल कर सकते हैं. ओके, तो आपको इस तरह से इसको डेकोरेट करना है. ओके, थैंक यू.